सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एकमात्र रास्ता है मुसीबतों से बचने का। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलता है। जो दूर होता है उन तक जाने का मार्ग होता है, पर जो ईश्वर सर्वव्यापक कण कण में व्याप्त है उन्हें पाने का मार्ग नहीं होता। उनका तो आत्मा बोझ होता है, जिसे महात्मा ब्रह्मज्ञान कहते हैं। आत्मा के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं, और परमात्मा के बिना ये संसार किसी काम का नहीं, और हम सतगुरु के बिना किसी काम के नहीं। परमात्मा ने हमें शरीर दिया है और यह शरीर परमात्मा की अमानत है, तो इस शरीर को परमार्थ में ही लगाना है। मनुष्य इच्छाओं से भरा एक घड़ा है जो कभी नहीं भरता। आज एक इच्छा पूरी हो जाती है तो कल कुछ और पाने की इच्छा मन में आ जाता है। तो सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। और कमेंट में धन निरंकार लिखें। हर लम्हा सुंदर होगा जब हर बात में सतगुरु की याद होगी। हर काम में मन लगेगा जब सुमिरन ही सच्ची फरियाद होगी। हे निरंकार प्रभु परमात्मा, आप सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, सर्व अंतर्यामी हैं तथा न्याय करने वाले हैं। आप ही मुझे यह जीवन प्रदान किया है। आपके कारण ही दास विचार करने, बोलने, कर्मों को करने में समर्थ है। प्रत्येक क्षण मन, भाड़ी और शरीर में किए जाने वाले समस्त कर्मों को आप जानने, आप से छुपकर दास कोई भी काम नहीं कर सकता। आप समस्त जीवात्मा के कर्मों को जानते हैं। सतगुरु की कृपा से आप ही अनुमति मुरी बुद्धि में प्रत्येक क्षण बनी रहे, जिससे दास बुरे कर्मों से बचे रहे और उनके दुख सर्व रूप फल से बचा रहूं और सुख शांति को प्राप्त करूं। ऐसी आपसे प्रार्थना है। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञान इंसान को प्रेम के साथ झुकना सिखाता है, और अज्ञानता इंसान को अहम के साथ खड़ा रहना। सेवा सत्संग सिमरन से मन की बैटरी को जितना ज्यादा रिचार्ज करोगे उतना ही ज्यादा सुख मिलेगा। सत्संगत जी, एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, मेरी जीव तो प्रभु का नाम जपती है परंतु मन उस ओर नहीं लगता। महात्मा बोले, महापुरुष, कम से कम प्रभु परमात्मा की दी हुई एक विभूति तो तुम्हारे बस में है, इसी पर प्रशंसा मनाओ। जब एक अंग ने उत्तम मार्ग पकड़ा है तो एक दिन मन में और आत्मा भी निश्रित रूप से ठीक से निरंकार में रम जाएगा। शुभारंभ तो छोटे से ही होता है, फिर धीरे धीरे मन सत्य पथ पर चलने लगता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। कहा गया है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनो बख्श लो। धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और ना मिलेगी। जितना अधिक धन व्यक्ति के पास होता है वह उससे कहीं ज्यादा अधिक चाहता है। धन संतुष्टि की बदले आतुर को पैदा करती है। धन से इंसान सुविधा खरीद सकता है, सुख नहीं। धन से दरिद्रता दूर कर सकता है, दुख नहीं। सत्संगत जी, धर्म हंसाता है, रुलाता नहीं। धर्म गिरते को उठाता है, गिराता नहीं। धर्म अपनाता है, ठुकराता नहीं। धर्म प्राण देता है, प्राण लेता नहीं है। धर्म मुक्ति देता है, बंधन नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सत्संगत जी, कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है।
सत्संगत जी सत्संग सुमिरन और सेवा। सत्संगत जी सत्संग से वो ही जुड़ पाता है जो दिल और आत्मा से सब कुछ भूलकर मन में अपने आप को गुरु जी महाराज से जुड़ने का प्रयास करता है। पिछले कई जन्मों में कर्मों को काटने का जरिया है सत्संग सुमिरन। सुमिरन की अनुभूति वही कर सकता है जो दिल से अपने परम पिता परमेश्वर का सुमिरन करता है। सुमिरन का आनंद वही ले सकता है जो नित्यनेम में अपनी आत्मा को सुमिरन का भोजन कराता है। सेवा, सेवा जहाँ इसे खुशी से किया जाए खुशकिस्मती बन जाता है, वहाँ बड़े बड़े काम भी आसान हो जाता है। जहाँ सेवा को मजबूरी मान लिया जाता है वहाँ हल्के से हल्का काम भी बोझिल सा हो जाता है। सेवा वह गुड़ है जिसका आनंद खाने वाला ही ले सकता है। सत्संगत जी कोई समझे कि स्वास्थ्य चढ़ा के ध्यान लगाना भक्ति है, कोई समझे कि गृहस्थ छोड़ के जंगल जाना भक्ति है, कोई समझे जा जा तीर्थ खूब नहा भक्ति है, कोई समझे ढोल मंदिरे ही बजाना भक्ति है, कोई समझे मीठे स्वर से गीत सुनाना भक्ति है, कहे अवतार सुना रे भाई प्रीतम पाना भक्ति है। सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और हाँ कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलें।